नमस्कार, मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मुझे पत्रकार। हमारे देश में न जाने कितने साल लग गए निर्भया केस को इंसाफ मिलने में, और उसी बीच में न जाने ऐसे कितने केसेस होते रहे। आज फिर एक बार हमारा देश ऐसे ही एक गैंगरेप को लेकर चर्चा कर रहा है, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रहा है। पर यूपी पुलिस किसी को भी न पीड़िता के परिवार से मिलने दे रही थी और इस सवाल में घिरती जा रही थी कि आखिर पीड़िता का आधी रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया। तो आपको बता देते हैं कि हाथरस गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार के हलफनामे में बड़ा दावा किया गया है कि परिवार की मंजूरी के बाद और हिंसा से बचने के लिए आधी रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने अयोध्या बाबरी केस के कारण जिलों को हाई अलर्ट पर रखने और कोरोना की वजह से भीड़ ना इकट्ठा होने देने का भी जिक्र किया है। यूपी सरकार का कहना है कि अयोध्या बाबरी केस में आए फैसले की संवेदनशीलता और कोरोना के मद्देनजर परिवार की मंजूरी से पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार किया गया। इस हलफनामे में सरकार का कहना है कि 14 सितंबर को पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तत्काल कदम उठाया। सरकार ने कहा कि इस मुद्दे का उपयोग करते हुए जाति और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए राजनीतिक दलों के कुछ वर्ग, सोशल मीडिया, कुछ वर्गों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जानबूझकर और सुनियोजित प्रयास किए। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाथरस में लड़की के साथ कथित बलात्कार और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। यूपी सरकार ने कहा कि हालांकि वो मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है, लेकिन निहित स्वार्थ निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के मकसद से प्रयास कर रहे हैं। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने आधी रात के बाद पीड़िता की अंत्येष्टि करने की वजह भी बताई है। उसके अनुसार खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट थे कि इस मुद्दे को लेकर सुबह बड़े स्तर पर हिंसा करने की तैयारी की जा रही है, अगर सुबह तक इंतजार करते तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती थी, इसलिए परिवार की मंजूरी से रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब यहाँ पर फिर ये सवाल उठता है कि इस बात पर कितनी सच्चाई है कि पीड़िता के परिवार से पूछकर ये सब किया गया, क्योंकि अंतिम संस्कार के दौरान पीड़िता का परिवार अपने घर में बंद था। हाथरस की घटना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश को मारा जा रहा है, मुझे धक्का लगना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि अगर किसी के बेटे या बेटी की हत्या कर दी जाए, फिर माँ बाप को बंद कर दिया जाए और डराया जाए कि सब चले जाएंगे, हम बचेंगे, इस वजह से मैं हाथरस गया और परिवार के साथ खड़े रहना जरूरी था। आपको बता दें कि राहुल गांधी हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने पैदल ही निकल पड़े थे, जिस पर यूपी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जिसके चलते यूपी पुलिस के साथ उनकी थोड़ी झड़प भी हुई थी। और ये सवाल अभी भी कायम है कि आखिर ऐसा क्या था जो छुपाया जा रहा था, ऐसा क्या था जो यूपी पुलिस सबके सामने नहीं आने देना चाहती थी। आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप केस में आज सुप्रीम सुनवाई का दिन है। हाथरस को लेकर सर्वोच्च अदालत की अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। इसी बीच एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी की टीम वहां पहुंची है जहां पीड़िता का शव जलाया गया था। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि हाथरस के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। इस मामले में मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो लोग सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है, वो एसआईटी जांच चाहते हैं जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट को करनी होगी। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। हर बार की तरह वारदात हो चुकी है, घटना घट चुकी है, पीड़िता अपने बयान के लिए जिंदा नहीं बची है, पुलिस फिर किसी आरोपी को बचाती नजर आ रही है और देश फिर एक बार आग बबूला हो रहा है। पर ये सब आखिर कब तक, गुनहगारों को सजा आखिर क्यों नहीं, ये सवालों के जवाब जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए मोजो पत्रकार और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, साथ ही यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।